सो गाइस मैं हूँ अभी यहाँ शेरिन कैनियन कजाकिस्तान पे एंड अभी यार पीछे आप लोगों को साइक्लोन दिख रहा होगा, वहाँ पे बहुत तेज साइक्लोन आ रहा है एंड अभी हम लोग इस जो है हमारा शेरिन कैनियन कजाकिस्तान इस जगह में एंट्री किए हैं। तो मेरे साथ 6 लोग थे तो पर पर्सन 700 टेंगे था तो वो हो गया एंड कार का जो प्राइस था उसका टोल लगा एंड फिर आप इसके अंदर एंटर कर जाओगे देन आप लोग इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड जो मेरे साथ थे वो लोग थोड़ा आगे गए हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा था एंड अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है। एंड जो ग्रैंड कैनियंस है वो US में कोलोराडो में, अगर आपको पता होगा तो, लेकिन ये एशिया का बिगेस्ट ग्रैंड कैनियन है, मतलब कैनियंस है। एंड यहाँ पे कजाकिस्तान में क्या है कि लैंड्स काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी सारे यहाँ पे कैनियंस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलरेडी अभी मैं आपको लेके गया ब्लैक कैनियन वगैरह पे, रेड कैनियन है तो यही ऐसा एक है कि भाई ये भी हमारा शेरिन कैनियन है यहाँ का। तो अभी जस्ट मैं पहुंच गया हूँ, आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है एंड एंजॉय कर। सो गाइज आप लोग एज यू कैन सी देख पा रहे हैं सामने ये है इसकी वैली जिसको बोलते हैं कैनियंस एंड नीचे रास्ता जा रहा है एंड नीचे यार कार पता नहीं किधर से जा रही है, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कार के बारे में पूछा तो बोला कि आज कार सर्विस अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन नीचे रास्ता जा रहा है एज यू कैन सी, वहाँ पे सामने वो रास्ता जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है भाई, ये एक नंबर बादल हो रहे हैं एंड यहाँ पे होटल बना हुआ है एंड ये इधर से भाई साइक्लोन आ रहा है, बहुत तेज बादल आ रहे हैं हमारी तरफ घूम घाम के इस तरफ जिधर बादल नहीं है, तो मौसम बिगड़े उससे पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं इस जगह को। सो गाइस ये है पास से नज़ारा इसका, द कैनियंस ऑफ कजाकिस्तान, ये देखो ये जो आप मेरे पीछे जो आर्किटेक्चर देख पा रहे हैं ये कैनियंस की जो आप देख पा रहे हैं इनकी जो सतह पे लेयर बाय लेयर कुछ ऐसी स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं। इसका रीज़न क्या है कि 12 मिलियन साल पहले यहाँ पर सीन क्या होता था कि ये जो है इतनी गहरी ये रिवर होती थी, यहाँ पर रिवर बहती थी कुछ सालों पहले, मतलब हजारों सालों पहले यहाँ पर रिवर बहती थी, लेकिन धीरे 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 मतलब वेपराइजेशन हुआ और पानी यहाँ से गायब हुआ। तो पानी जब जाता था तो कहते हैं ना कि रस्सी भी कुएं के वहाँ पर निशान बना देती है, तो ऐसे ही पानी भी भाई निशान बना देता है। तो वही चीज़ इस जगह को स्पेशल बनाती है कि जो इन पत्थरों पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, वो लेयरिंग्स देखने को मिलेगी, वो पानी के निशान देखने को मिलेंगे, इस वजह से इस जगह को बोलते हैं कैनियंस, है ना। और US में भी इससे बड़ी कैनियंस है जिनको ग्रैंड कैनियंस ऑफ US यानी कोलोराडो बोलते हैं, हो गया। एंड आपको मैंने ब्लैक कैनियन बताया उसका भी सेम हिस्ट्री यही है कि भाई वहाँ पर भी ऐसे ही स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं एंड वहाँ पर भी पहले काफ़ी सारी रिवर्स वगैरह होती थी। तो ये भाई काफ़ी पुरानी चीज़ें जो हमारी अर्थ की, अब जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमको भाई काफ़ी साल पहले ज़माने में ले जाती है कि भाई कुछ सालों पहले ऐसी ऐसी चीज़ें हुई होगी हमारी अर्थ पर, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आज हम लोग देख पा रहे हैं। So guys, अभी यहाँ पर हमारे साथ ट्रेवलर है, what's your name? My name is Kostya, I am Siberia, Russia. तो ये रशिया से एंड यहाँ पर अभी बारिश आ रही है, बहुत एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, तो यहाँ पर ये लोग आज कैंपिंग करेंगे, what's your name? Alina. Alina. तो ये लोग भाई यहाँ पे आज कैंपिंग करने वाले इतने हार्ड कोर सिचुएशन में। So guys, nice to meet you. Thank you. Bye bye. Nice to meet you. Okay. So guys, बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पर बहुत तेज, तो चलते हैं। सो गाइस आज हमारे साथ ओवेस भाई है जो कि बॉम्बे से यहाँ पे कजाकिस्तान घूमने आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूँ कैसा लगा आपको कजाकिस्तान? फर्स्ट ऑफ ऑल सी कजाकिस्तान मैं यहाँ पे सबके रील्स देख के ही आया है, अखिलेश करके एक है यूट्यूबर मुझे जानते हो, आई नो हिम, उन्होंने मुझे आइटिनरी बताया उनका, और इतना बजट ट्रिप में आप इंटरनेशनल घूम सकते हो, मतलब मनाली के बजट में आप इधर अलमाटी आ सकते हो, तो फिर यार वाई नॉट। और यहाँ पे मतलब आपको कल्चर इतना अच्छा है ना कि मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब आप यहाँ पे आके यहाँ का कल्चर, यहाँ का मतलब वेदर एंजॉय कर सकते हो, मतलब यहाँ पे स्नो मिल रहा है आपको, कैनियंस मिल रहे हैं, रिवर्स मिल रहा है, मतलब ऑल टाइप ऑफ वेदर मिल रहा है आपको। आपको बता दूँ ये कजाकिस्तान का सबसे बड़ा कैनियन है एंड इसकी लेंथ आप लोग देख पा रहे हो कितनी बड़ी जा रही है, यहाँ पे मून कैनियन है, ब्लैक कैनियन तो आप लोगों ने देखे होंगे, तो
ये है कजाकिस्तान का सबसे बड़ा कैनियन है ये, एंड दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन तो आप लोगों को पता होगा यूएस कोलोराडो में है, लेकिन आपको भाई यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा देखने को मिल जाएगा कैनियन। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आसपास की किसी कंट्री में नहीं है। अगर आपको एक्सपेंसिव घूमना है तो फिर स्विट्जरलैंड वगैरह में जाना पड़ेगा, लेकिन आपको सस्ते में मजे लेने हैं तो मैं बता रहा हूँ कजाकिस्तान से बेस्ट कुछ नहीं है। तो सेंट्रल एशियन कंट्री है, यहाँ पे आप आओ यहाँ पे आपको एशियन लोग मिलेंगे, बट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ है, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बिकॉज यहाँ पे रशियन लैंग्वेज चलती है एंड मैक्सिमम लोगों को क्या है कि इंग्लिश नहीं आती, कुछ एक लोगों को ही आता है, और वेस्टर्न कल्चर अभी इतना नहीं आया है यहाँ पे ताकि लोग इंग्लिश सीख सकें। तो भाई अभी इंडिया से आए हैं एंड मेरे को अचानक मिल गए कोलसाई लेक पे, एंड ये बोले कि मैं ग्रैंड कैनियन जा रहा हूँ, तो मैं बोला मैं भी कैनियन जा रहा हूँ, आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर करें, मैं इनके चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन करूंगा, तो भाई को जाकर के सपोर्ट, भाई को सपोर्ट करो सबसे पहले, अलमाटी के सबसे बेस्ट ब्लॉगर बोल सकता हूं मैं आज के टाइम में। थैंक यू, मतलब भाई का जो ऑरा है जिस हिसाब से वो बात कर रहे, मेरे ब्लॉग में भी उन्होंने जिस हिसाब से बात किया है, मतलब वो ऐसा ऑरा हर एक यूट्यूबर के पास होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे पास इतना नहीं है, मतलब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, बट इनके पास जो ऑरा है ना, मेरे को आपको मेरे को लग रहा है ना आप आगे चल के अलमाटी के सबसे बेस्ट ब्लॉगर बन सकते हो। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर बनेंगे, एंड सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करें। एंड अभी बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, मैं काफी सारे लोगों से मिलता हूँ, अभी रिसेंटली शर्मा जी का बड़ा बेटा यहाँ पे आए थे, उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया था, देन मैं उन लोगों से मिला, तो आप लोग भी आइए आप लोगों से मिलूंगा। एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेरे को डीएम जरूर करें इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे व्हाटएवर। और हमारी किस्मत भी अच्छी है, मतलब हम लोग कोलसाई लेक में मिल गए, और कोइंसिडेंस मतलब ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, मतलब ऑल ऑफ अ सडन ये प्लान बन गया। एक्जेक्टली, सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड ये है कजाकिस्तान। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, ओवर एंड आउट।